वेलकम बैक गाइस तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल ते। मैं वां सुलेमान इमैनुअल। ते गाइस उम्मीद करना तुसी सारे वधिया होवोगे, कैम होवोगे ते रिएक्शन एंजॉय करदे होवोगे। जे रिएक्शन एंजॉय करदे हो कमेंट करके लाजमी दस्या करो। तो अज असी हाजिर हाँ दोबारा एक और बड़ी खास वीडियो लैके। अज जिहड़ी वीडियो असी वेखण लगे आ ओह वे सिद्धू मूसेवाला जी का इंटरव्यू वे रोजाना स्पोक्समैन के नाल चैनल तो जो अपलोड होया था, जो पार्ट टू लैके आए हैं। तो जिन्होंने पार्ट वन नहीं वेखिया डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तुम जाके भी वेख सकते हो। तो अज असी अगे वेखने के की गलबात हुई है, तो वीडियो स्टार्ट करने हैं। बाकी फिर गल्लां बातों करते रहेंगे, तो वीडियो शुरू करने हैं। मैं लगता मैं नहीं जानते होंगे, पर उन्होंने पता सीगा भी हाँ भी सिस्टम उन्होंने पता सी नहीं पता सी, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी वाले तो पता सीगा कि तुसी कौन। सारे ने फोटो करवाई उत्थे सारे ने। सो वो तो चलो होना ही है, चलो लोगों का प्यार है जी। तो गल की उत्थे हल भी की रीज़न की है भाई, 15-15 साल हो गए लोगों को धक्के खाने, क्योंकि यदा कुछ बने ही गया। मैं कदे कदे लोगों एरिया लगन लग गए पंजाब चाहे हरियाणा चाह, क्योंकि पंजाब ने कदे सारी नहीं ली सरकार ने। तुसी कांग्रेस की आइडियोलॉजी समझ की कोशिश की, विचारधारा की है, कि जो तुहाडी परसनैलिटी है जो तुहाडे करैक्टरिस्टिक्स ने उस आइडियोलॉजी के नाल तालमेल बिठा लेंगे। मेरे करैक्टरिस्टिक्स सच्चाई नाल ने जी, ठीक है जी। कुछ कुछ भी कोई गलत कल भी कुछ गलत करेंगे आप, तो गलत नूं गलत कहना चाहे वह कुछ भी है ना। आइडियोलॉजी असी यही हरेक किसी भी संगठन की आइडियोलॉजी यही होंगी है भी साफ सुथरा अक्स रखना है ना। तो हमेशा जिहड़ा काम मेन लीडरशिप का काम की होंगे, एक चंगा सुनेहा देना लोगों, एक चंगी जिंदगी जीने की जांच देनी, तो उन्होंने वह जो रिसोर्स से एनवायरमेंट देना है ना। तो मेरी आइडियोलॉजी भी यही है ना। तो मेरे परसनल कुछ मेरे कुछ हो सकते हैं विचार, पर यह है भी असी सारा सारे जानी मैं मेरा इतने मकसद आने का, ठीक है पोलीटिकल लाइन के आने का नहीं। मैं तो की लोड़ सी मैनू मैनू लगता है भी, जो कोई मेरे इनकम सोर्स इन्ने कोई लो नहीं है भी, जब मेरा टाइम पास नहीं हो रहा या मेरे को मैं लोगों की चर्चा का विषय नहीं है ना। सो सारी दुनिया प्यार करती है, बस यही चाहते हैं भी कुछ ना कुछ यहोजा वातावरण क्रिएट किया जाए, तो जो जिन्या 4-5 पीढ़ियाँ हो गई वो तो उम्मीद निकल गई धक्के खाने दी, हूँ कुछ ना कुछ चंगा हो सके साडे शहर के लिए। एक तो सिद्धू साहब बड़ा आसान तरीका हैगा ये कहना कि मैं लोगों का भला करना चाहना, पंजाब की सियासत को बदलना चाहना, इस करके मैं पॉलिटिक्स के एंट्री की। बहुत व्डिया गल् ने कहने जो तो कोई बंद कह दिया झूठ लगता सारे कोई भी बंद कह रहा मेरे नाल कुछ परसनल चीज़ा भी जुड़िया होंगे ने, कुछ यहोजी चीज़ा भी है जो आदमी दे जिंदगी दे नाल जुड़िया होंगे जिस जो लगता कि हाँ मैं एंट्री कर लेनी चाहिए। पता की गल है जी, तुम इंडिया के हम सारे मैं कहने तो पॉलिटिक्स के कोई बंदा ही हूँ सारा कुछ परमात्मा की कृपा ना है, पर लोग इतने जो नहीं देंगे। इन्ना प्रेसराइज थोड़े से प्रेशर कुकर चलता ना 24 घंटे दिमाग, तो हरेक बंदा दबण की कोशिश करता इन्हू दब के हिसाब न इनू लोट लिया इनू लोट लिया। तो वो बंदे यहोजे ने जो साढ़े तो काबिलियत कितने ज्यादा घट ने, ठीक है। हम मैं दसो कोई एक बंदा है वो यानी कि कदे हल्के तो बाहर नहीं गया, कदे वो कितने होर नहीं गया, तो वह बंदा गल्लां करदा भी यार इनू सिद्धू इधर आ घर आ यार मेरे को। अच्छा मैं तुम्हें दसदा भी किवें जिंदगी करनी है, किवें तुहानू कुछ लोड़ ही मैनू दसी, तुहानू पता आपां सारा कुछ ही हाँ सिस्टर। तो यार मैं मैनू एक गल दसो भी मैं ओह जे लोगों वास्ते क्यों वरत्या जावा जिन्होंने सानू वरत के सानू ही ठिठ करना, ठीक है ना। फिर मैं उन्होंने खातर वरत्या जावा जिन्होंने मेरी लोड़ है, जिन्होंने मैं कोई काम भी कर सकता, जिन्होंने मैनू जेडे मेरे तो कुछ आस उम्मीद रखते हैं। फिर मैं एक ओहजे बंदे वास्ते वरत्या जावा जिन्हें मैनू वरत के एक अहुदा लेना, अहुदा लैके फिर सानू ही तंग परेशान करना, इत्थे कर आ कर होरां भी करूँ मैनू तो कल की करूँ। फिर जो प्रचार ही करना किसी दूजे खतर प्रचार करना तो असं आपदे आपदे वास्ते क्यों नहीं कर सकते, या फिर असं वो तीजा बंदा जिहड़ा यानी कि काबिलियत साढ़े तो वध है असं उहदी वाह वाही करके उन्होंने उस जगह पर बिठा दिए जिते वो किसी भी तरीके नाल सानूं गलत यूज़ कर सके, असं ये क्यों करिए। फिर तो असं आपदे आप नूं प्रमोट करांगे, जे मैं किसी होर खतर बोलना जिहड़ा बंदा गलत है करप्ट है मैनू भी पता वह गलत है, मैं वह प्रचार करा फिर मैं आपका क्यों नहीं करूँगा, ठीक है ना जी। मैनू हूँ घट्टो घट्ट मैं पैसे पैसे तो नहीं खाऊंगा किस तो है, जा कोई मैं कोई होर ठगी तो नहीं मारूंगा, कह डराऊ धमकाऊंगा तो नहीं। जे फिर आप यहोजे बंद प्रमोट कर सकते फिर यार आपदे आप क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ इस गल करके मैं कलाकार हाँ जब मैं सिंगर हाँ जब मेरा किता कुछ होर है। अच्छी किन्ने कलाकार आए सारे ने अपनी उम्र लंघा के पार्टियां ज्वाइन करी ने, क्योंकि तुम्हें पहला पता पैसे इकट्ठे कर लिए
बैंक बैलेंस सैट हो जाए फिर किसी ने ट्राई की क्योंकि ट्राई कर हिम्मत ही नहीं किसी को इन्ना क रिस्क लैन की गट्स नहीं कोई रिस्क लैना ही नहीं चाहता अगला कहना मेरे को पैसे है मैं की लैना। अच्छा तो इस गल चो एक सवाल यह भी है मैं थोड़े कई स्टेज शो सुनता हूँ तुम एक स्टेज शो तो कह रहे थे कि हर बंदे की एक एक्सपायरी डेट फिक्स हैगी है इस लाइन के। हाँ जी हाँ जी कित ए तो नहीं सिद्धू साहब के तुम्हें पता है कि एक ना एक दिन यहोजा दौर भी आएगा जिथे मेरे तो अगे कोई होर आएगा जिन्होंने लोग पसंद करेंगे तो पॉलिटिक्स एक यहोजी सेफ साइड हैगी जिथे बैठ के असी नाम भी कमाई चलोंगे काम भी करी चलोंगे तो अपना जोड़ा वक्त हैगा वह भी हंडा लाँगे। दौर वाली गल तो हैगी है मेरे पहले किन्ने मेरे तो बाद चो किन्ने आने ने किसी नहीं रोक सकते हरेक का टाइम पीरियड है सारे उन्हें पोलीटिकल वी चीज़ है पोलीटिकल यार ये तो पोलीटिक्स एक यहोजा प्रोफेसन है जो पुन वाले फलियाँ वाला काम है। ठीक है जो तुम कम करते हो तो हरेक काम के आपो अपने बेनीफिट होंगे वो बेनीफिट तो होने तो मैनू भी होने जे मैं कल पोलीटिक्स के आना पर यह भी है वो एक चंगा काम भी है। ठीक है ना तो जहोजा रिस्क भी है तो रिस्क लैन के असं काबिल भी है। रिस्क तो हूँ ज़्यादा वध गया जो तो मैं थोड़े नाल सफ़र कर रहा है इतों तक पहुँचे असी एक काफिला थोड़े नाल तुरदा सिक्योरिटी थोड़े नाल हुंदी है जी थोड़ी भी अख जो तो हुंदी है वो आसे पासे देखती रहती है कि मैं महफूज हाँ ये चीज़ा चलदियाँ रहिंदियाँ नाल नाल सबर हैगा सुकून हैगा। सुकून तो है चीज़ा पता की गल है कई बार असल सुकून मैनू तो हम सुकून का मीनिंग ही भुल गया भी सुकून होंगे कि असल मेरी जिंदगी यहोजी हैगी डावान डोल एवं चलता रहा खड़के दड़के रौले रप्पे अज माड़े कल चंगे कल माड़े पाँच परसों चंगे यानी कि आप नव जमें पौड़ियाँ चढ़ते होंने आप पहली पौड़ी दुख दी अगली पौड़ी सुख दी तीजी पौड़ी फिर दुख दी हैगी चौथी पौड़ी फिर सुख दी हैगी यानी कि मैं तो इस चीज़ लिए प्रिपेयर हाँ तो ना मैनू कोई विरोध नाल मेरी बदनामी ना बहुत लोगों ने मैं बदनाम किया इदू बाद भी करे मेरिया पुरानी चीज़ा चक के लियाँगे तुम्हें पता पॉलिटिक्स पेशा कहो जाए मैंने अगलिया पिछलिया चीज़ा च लिजाने की कोशिश करे भी फिर ये तो फिर चीज़ा नाल नाल चलनगियाँ चलनगियाँ इन्ह तो डरेंगे फिर जाऊँगे किमें चुप करके फिर लोग तो घर आके कुट के जाया करेंगे चरणजीत सिंह चन्नी बड़े पसंद ने नहीं वधिया ने तरीके दे नाल ओह काम करदे आ तुसीं कि यार पता की गल है आपां नूं हुण किसे दे मन च तां आपां कदे किसे दे वड़ नहीं सकदे। ठीक है चन्नी साहब नूं मैं सिर्फ एक वारी मिलिया जिंदगी दे विच सारे नूं। अच्छा पहली जदों पहली वार मुलाकात राबता होया की गलबात होई उहनां नाल सारे वधिया सी उही गल है ना मैं तुहानूं इह कहिणा वी आपां हुण मैं तुहाडे मन च तां बड़े नहीं तुहाडे मन च की है ना मैं पहली बार चन्नी साहब ने मिला आप किसी अंदरों नहीं देख सकते भी वो किदा अपने को एक ही की है मैनू जो बंद चंगी चीज़ लग रही भी वो हंबल है सारा मिलता है राइट लिस्ट बुला तो है पहला कि नहीं बुलाया आके किन्नी मुख्यमंत्री आए कौन बुला किसी कोई नहीं बुला यार चलो चंगे माड़े काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे कोई सैड तो गल है किन्ने करते चलो काम भी वधिया करे मेरे हिसाब ना तो भी घट्टो घट एक बंदा टच तो है ईजी अप्रोचेबल तो है घटो घट उन्होंने बुला तो लें भी हाँ जी मुख्यमंत्री साहब की हाल चाल है ना ए नहीं बंद ए लगता भी यार पता नहीं की बोलो अगो नहीं कई बंद यहोजे भी अगला कहना पर मुख्यमंत्री आगे वो चीज़ नहीं हैगी है चलो चंगी गल है इदा ही होना चाहिए ईजी अप्रोचेबल होना चाहिए। जिंदगी बड़ी जल्दी बदली है 27 साल की उम्र पहले भी जिक्र करके हटे पहला कितने अपने यार दोस्तों के नाल रेलगड्डी बैठ के स्टूडियो जाते होंगे बसा चाहते हो यकदम नवजोत सिंह सिद्धू राजा वड़िंग जी होर तमाम लीडरशिप तुहानू हवाई जहाज बिठा के राहुल गांधी होर नवास से लैके जाती है चीज़ा बदल गई पता गल की है जहाज में पहली बार कोई नहीं बैठा हाँ पर यह गल है भी जिंदगी के नवे खेत्र एक नवी पारी शुरू की है ना उस चीज़ की चलो होंगे ही है ना तो जो नर्वसनैस पहले दिन होंगे मैं पहली बार बैठे तो धौन कर नीचे की हुई सी मैं धौन मैं धौन नीचे कर करना मतलब यह नहीं मेरा मोराल डाउन है धौन नीचे करना मतलब यह भी मैं दिमाग काफ़ी कुछ चल रहा उस टाइम है ना मेरे दिमाग सारिया गल् भी जो एक बार पहली बार आप जो कुछ शुरू कर जा रहे होंगे उदो थोड़ू होंगी है ना भी घबराहट की भी हाँ की करना अगे की सो की करांगे क्यों किमें करांगे सारा कुछ पर जो जो तुम उस चीज़ के एंटर होंगे तो सारिया चीज़ा थोड़ा वाहगुरु सच्चे पातशाह बहुत बड़ी चीज़ है जो तुम हाँ की ज्वाइन कर उदो भी घबराहट सी है नहीं उदो नहीं जो आप जा रहे होंगे ना मेरा दिमाग यानी कि चीज़ा चल तू हूँ भी मैं तुरंत मैंने क्वेश्चन किया भाई तुरै तू जा रहा मैंने लगता तेरा दिमाग भी चली जाता हूँ भी तू सोची जाता दिमाग चलता रहता कुछ ना कुछ एक मैं जो तुम लंबा बंदा हों उ हैं तो हूँ सीट के आदत होंगी उन्हों की तो मैं उदो कुछ ना कुछ दिमाग चलता रहता भी बहुत बड़ा स्टैप है जिंदगी का है ना भी इधरों उधरों सो रिस्क भी होंगे ने हूँ जिमें आप गल कर रहे सारे कह रहे कहते फॉलोअर्स घट गए मैं क्या घटे तो मैंने कई बंद सज्जन मित्र बई तू बधा ला रातों रात मैं कहे खतर बधाव वधिया घट गए
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ 2019 ਤੋਂ ਲਓ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਲੀਨ ਵੀ ਐਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਸ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਮੇਨ ਨਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਰਚੀਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦੇ, ਆਰਚੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਗਾਣਾ। ਹੁਣ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਮੂਸਾ ਜੱਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੂਗਾ, SIM ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗੇ ਚਣਵੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਆਰਚੀਵ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਰਚੀਵ ਕਰਦਾ, ਡਿਲੀਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ 1984 ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਆਂ ਟਕ 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 ਟਕ, ਆਹ ਫਲਾਨੇਸ਼ਵਰੀ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਆਰਚੀਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਚੀਵ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਰਚੀਵ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨੇ, ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੈਂ, ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਫੇਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵਰਤ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਬਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਬਰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਸਬਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੂਲ ਲਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੀ ਫੈਸਲੇ, ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤੂੰਗਾ, ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਊਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਮਾਂ ਰੂੰ ਕਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਝੱਖੜ ਝੱਲੂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਗੀਤ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ 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 ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੀਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਲਈ ਖਾਸ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਾਇੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਗਾਣੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਜੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਗਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਗਾ ਦੇਣਾ, ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਕੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਰਵਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਫੋਲੋਅਰਸ ਘੱਟ ਗਏ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਗਏ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਝੱਲੋ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ, ਜਾਂ ਫੋਲੋਅਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਘੱਟਣ, ਕਿਉਂ ਘੱਟਣ ਵੇ, ਹੈ ਘੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ, 645 ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫੋਲੋਅਰਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ 6.9 million ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 6.8 ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਂਗਾ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ
सिर्फ थोड़ी खुशी लिए भी तुम चलो भाई असं गैंगस्टर तुम तो बहुत सियाने से जी इस तो हूँ भी बहुत सियाने हो सूझवान हो मैं तो दुगना तिगना एक्सपीरियंस जिनी मेरी उम्र है उन्ना थोड़े को तजर्बा से थोड़े को पावर भी सी रुतबा से फिर तुम क्यों नहीं सही किया जिस जे मैं गैंगस्टर से फिर 4.5 साल थोड़ी सरकार से क्यों नहीं फड़े मैंने जी तो कभी सिस्मा फार्म नहीं सद्या सद्या अच्छा उही गल है ना मैं सियासत दल समझ आने लग आ रही ने दिन एक्सपीरियंस कर रहे हैं भी उ जरा गैंगस्टर से उन्होंने तो 4-5 दिन पहले ज्वाइनिंग तो फोन कर रहे सिद्धू सिस्मा फार्म आ जा यार मिलते हैं अज थो मैं गैंगस्टर लगन लगे भी मैं थोड़ी पार्टी शामिल नहीं हो सो ये चीज़ा ने मैं रिस्पैक्ट करदा सारे की भी ठीक है चल पर भी ये है भी ये सियासत का हिस्सा है भी शायद जो आप बयानबाजी तो लगता जो कोई काम करे होंगे तो शायद अब आप चीज़ा देखनिया नहीं पैनिया तो गाइज ऐसी आती वीडियो तो नो डाउट कमाल की कैंड गलबात हुई है मज़ा आया वेखन का काफ़ी अच्छी गल् हुई ने खास करके इन्हों फॉलोअर्स तो काफ़ी गल हुई है जी ओबियसली उदो आया जो सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो उदो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग सन जो दूसरे पार्टीज ने एफिलेटिड सन उन्होंने सिद्धू अनफॉलो कर दिता से तो उन्हें यह कहा कि 645 तो शुरू किया तो 6.9 हो सन उस टाइम तो 6.9 तो 6.8 मिलियन हो गए तो कोई वादा नहीं हो कोई फर्क नहीं पिया तो अज भी वेख लो वही चैनल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का सब तो व्डा चैनल बनया था भाई सिद्धू मूसे का एटलीस्ट 20 मिलियन सबसक्राइबर हो गए हैं तो होर खास करके होर गल जी उन्होंने पीस के बारे किसी के सुकून है माइंड में पीस है वे तो वह कहते पीस है वे पर तुम वेख सकते हो अपने आखिरी टाइम जानी कि जो ईपी कड़ी सी गाना सी एवरी बॉडी हर्ट्स मी और यानी कि सिद्धू ने जो एक्सप्लेन किया वे कि नहीं कि किन्ना टुटिया था वे उस एक लाइन भी सी कि सुसाइड करन दा दिल करता पाया नहीं कि ना मैं टुट चुकिया वा ना वो प्रेशराइज हाँ प्रेशराइज तो नहीं कह सकते बट यानी कि हर्ट होया था वा काफ़ी तो यानी कॉल फोन तो दो ने पर किनू फोन करा लोनलीनेस तो हर्ट वगैरह काफ़ी सी तो मज़ा है बाकी एक ही वेखने फिलहाल वीडियो से इतनी रोकने बाकी वीडियो से अगले पार्ट में वेखने तो उम्मीद करना तुम्हें भी वीडियो पसंद आई होएगी जो पसंद आई है चैनल में सबसक्राइब करना ना भूलियो तो वीडियो भी लाइक लाजमी कर दो मैं इजाजत दो अगली वीडियो में दोबारा सारे मुलाकात होएगी अपना बड़ा ज़्यादा ख्याल रखियो पीस आउट।